Hello friends, this is Himanshu Ranjit. Today I came up with one of the important topic for all of you, those who are preparing for IREL graduate training finance के लिए जो preparation कर रहे हैं. So आप लोगों के लिए मैंने आज एक special video लेकर आया है. Today I am going to discuss with you accounting, accounts से related MCQs. Okay, so this video is very helpful for all of you. इस video को आप पूरा जरूर देखिएगा. You will definitely feel कि ये video आपके लिए काफी ज्यादा useful जरूर होगा. आप पूरा video देखने के बाद आपको जरूर ऐसा फील जरूर होगा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट कि गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. फ्रॉम देयर यू कैन सी योर लिंक इज देयर. बाय क्लिकिंग दैट लिंक यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम. फ्रॉम माय टेलीग्राम यू विल गेट इंपॉर्टेंट अपडेट रिलेटेड टू माय क्लासेस एंड यू विल आल्सो गेट इंपॉर्टेंट अपडेट रिलेटेड टू IREL एग्जामिनेशंस. ओके, सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, सो आप चाहो तो मेरा MCQs परचेस कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, फुल डिटेल दिया हुआ है. ओके, वो MCQs से आपका प्रिपरेशन काफी ज्यादा हेल्पफुल, काफी ज्यादा और भी ज्यादा, मतलब आपका जो स्टैंडर्ड है वो और भी ज्यादा बढ़ेगा. ठीक है, तब प्रिपरेशन आपका और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा. तो डिस्क्रिप्शन में दिया है, आपको परचेस करना है तो परचेस कर सकते हो, मात्र 500 में अवेलेबल है. ओके, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे MCQs रिलेटेड टू अकाउंटिंग. ओके, थोड़ा मैं बता दूं अपने बारे में. मैं बहुत सारे लोग अगर नहीं जानते तो यहां पे देख लीजिए, मेरा नाम हिमांशु कुमार रंजन, मैं क्वालिफाइड हूँ CMA और मैं कहाँ काम किया हूँ एंड क्या मेरा अचीवमेंट है. मैं PSU में भी सिलेक्शन मेरा हुआ है. सो ये सब है. ओके, सो आप थोड़ा देख लीजिएगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग नहीं जानते, इसलिए मैं थोड़ा बता देता हूँ. ओके, चलिए आगे क्लास स्टार्ट करते हैं. आज अकाउंट्स अकाउंटिंग का हम लोग MCQs डिस्कस करने वाले हैं. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है. द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ ए कंपनी आर डिस्प्लेड इन. जो रेवेन्यू होता है कंपनी का और एक्सपेंसेस होता है वो कहाँ पे डिस्प्ले होता है? वो होता है इनकम स्टेटमेंट में. तो इनकम स्टेटमेंट क्या होता है? इनकम स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है. इनकम स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है. ओके, इनकम स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है. ओके, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको पता होगा PL आता है. तो ये इनकम स्टेटमेंट एक तरह का, इसको PL को ही बोल सकते हैं. PL होता है, कैश फ्लो होता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में PL आता है, कैश फ्लो आता है. ओके, बैलेंस शीट आता है. सो ये सब आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. नोट्स टू अकाउंट्स भी आता है. ओके, सो ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है. उसी का एक पार्ट है इनकम स्टेटमेंट, मतलब PL इसी का पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का. ओके, तो इनकम स्टेटमेंट ही बताता है कि कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है कि कंपनी का लॉस हो रहा है. करंट पीरियड में जो कंपनी का लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है, ये इनकम स्टेटमेंट से पता चल जाता है. ओके, तो पहला पूछा था कि द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ ए कंपनी आर डिस्प्लेड इन व्हिच स्टेटमेंट. तो इनकम स्टेटमेंट से पता चलता है क्योंकि इनकम स्टेटमेंट ही पूरा रेवेन्यू और एक्सपेंसेस बताता है. तो उससे ही पता चलेगा कि कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है. जो इनकम स्टेटमेंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आता है. और मैं आपको यही बता दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन आता है. ट्रेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आता है और आपको कैश फ्लो और नोट्स टू अकाउंट्स और बैलेंस शीट आता है. ओके, सो यहाँ पे मैं आपके लिए एक्सप्लेनेशन भी दिया हूँ. द इनकम स्टेटमेंट डिस्प्लेस ऑल द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ ए कंपनी. ओके, इसी तरह से आपका MCQs अगर आप परचेस करोगे मेरा MCQ, तो उस MCQs में भी आपको इसी तरह से पूरा MCQ दिया हुआ है और पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ है. आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपका प्रिपरेशन काफी स्ट्रांग हो जाएगा अगर वो MCQ से प्रिपरेशन करते हो तो. ठीक है, आपको कॉन्टैक्ट करना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो 9631474430 और मेल आई डी भी दिया हुआ है यहाँ पे. कॉन्टैक्ट करके आप पूछ भी सकते हो. अगर आपको परचेस करना तो यहाँ पे पूछ करके कॉन्टैक्ट करके पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फुल डिटेल नीचे दिया हुआ है कैसे परचेस करना. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है? अकाउंटिंग का जो मेन पर्पस का बात की जाती है कि टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर. शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करता है सबसे ज्यादा, तो वही बात है ना कि टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर. शेयर होल्डर को फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है क्योंकि कंपनी में जो पैसा लगा है वो शेयर होल्डर का पैसा लगा है. ओके, तो शेयर होल्डर अगर इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी में तो शेयर होल्डर को पता तो होना चाहिए ना कि कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है. ओके, तो टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है. टू प्रोवाइड द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स. ओके, द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोलता है. क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि द एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन इज यूज बाय बीच स्टेटमेंट. एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन इज यूज बाय बीच स्टेटमेंट. तो कहां पे यूज होता है? बैलेंस शीट
को बोला जाता है। ठीक है, एक चीज आपको पता होना चाहिए, जो अकाउंटिंग इक्वेशन होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन को एक और नाम से बोला जाता है, बैलेंस शीट इक्वेशन। ओके, अकाउंटिंग इक्वेशन को एक और नाम से बोला जाता है, बैलेंस शीट इक्वेशन। ओके, सो इसमें अगर बात की जाए तो अकाउंट क्या क्या आता है, जैसे देखिए एसेट इज इक्वल टू, इसको आप लाइबिलिटी प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी ये होता है। ठीक है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। एसेट में करेंट एसेट और नॉन करेंट एसेट दोनों आता है। ठीक है, लाइबिलिटी में भी ऐसे ही, करेंट लाइबिलिटी और नॉन करेंट लाइबिलिटी दोनों आता है। ठीक है, शेयर होल्डर्स इक्विटी में मतलब इसमें आपका शेयर कैपिटल और इसमें आपका रिटेंड अर्निंग। ओके, रिटेंड अर्निंग आता है। ठीक है, सो मैं आपको पूरा बता दिया कि ये एसेट है। ठीक है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी होता है। तो एसेट में कैपिटल, एसेट में करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट दोनों होता है। नॉन करंट एसेट मीन्स लॉन्ग टर्म एसेट्स। ओके, सो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी, ये होता है अकाउंटिंग इक्वेशन। ओह ओके, ये होता है अकाउंटिंग इक्वेशन, ये आपको पता होना चाहिए। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी, ये अकाउंटिंग इक्वेशन हुआ, इसी को बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये करंट एसेट और नॉन करेंट एसेट दोनों होता है एसेट के अंदर, और लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी नॉन करेंट लायबिलिटी दोनों होता है, शेयर कैपिटल और रिटेंड अर्निंग दोनों होता है शेयर होल्डर्स इक्विटी के अंदर। ओके, सो ये बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। आप इस वीडियो को अगर आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। ठीक है, आपको ऐसे ही स्पेशल वीडियो मैं आपको हमेशा लेकर आता रहता हूँ और हमेशा लाऊंगा भी। ठीक है, और अगर आपको प्रिपरेशन काफी अच्छा करना है तो आप मेरा एमसीक्यूज परचेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जाइए, फुल डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोलता है कि व्हाट टाइप ऑफ बैलेंस डू एसेट अकाउंट हैव। एसेट अकाउंट का क्या बैलेंस होता है, तो एसेट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, एसेट अकाउंट हैव ए डेबिट बैलेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 द काइंड ऑफ डेट व्हिच आर नीडेड टू बी रिपेड इन शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में आपको कौन सा डेट है जो को पेमेंट करना होता है, वो करंट लायबिलिटीज होता है जो कि विद इन वन ईयर पेमेंट करना होता है ना। करंट लायबिलिटी आर द डेट दैट नीडेड टू बी रिपेड इन ए शॉर्ट टर्म पीरियड, मतलब विद इन वन ईयर पेमेंट करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोलता है, द अकाउंट विच इंक्रीजेस, द कौन सा अकाउंट है जो कि इंक्रीज करता है इक्विटी, कौन सा अकाउंट है जो कि इक्विटी इंक्रीज करता है। तो इक्विटी कौन सा अकाउंट है जो कि इंक्रीज करता है, इक्विटी इंक्रीज करने वाले हैं रेवेन्यू, रेवेन्यू मीन्स सेल, ओनर्स इन्वेस्टमेंट, अगर ओनर इन्वेस्टमेंट करेगा तभी जो इक्विटी है वो उसका वैल्यू बढ़ेगा मार्केट में। ठीक है, रिटेंड अर्निंग, रिटेंड अर्निंग से भी इक्विटी बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शंस में था वो रेवेन्यू दिया हुआ, तो यहाँ पे आंसर और रेवेन्यू होगा। ओके, जिससे रिटेंड अर्निंग क्या होता है ना, रिटेंड अर्निंग आपको मैं बता दूं, देखिए कंपनी का जितना भी अर्निंग हुआ, ठीक है, कंपनी का जितना भी अर्निंग हुआ तो उसमें से कंपनी का जो भी डायरेक्ट डायरेक्ट कॉस्ट, मतलब जो भी उसको खर्च हुआ, डायरेक्ट कॉस्ट खर्च हुआ, इनडायरेक्ट कॉस्ट खर्च हुआ, कंपनी का डायरेक्ट कॉस्ट खर्चा हुआ, इनडायरेक्ट कॉस्ट जितना भी खर्चा हुआ, कंपनी इनकम टैक्स देता है, ठीक है, कंपनी डिविडेंड पेमेंट करता है, तो जो अमाउंट यहां पे जो बचता है ना वो रिटेंड अर्निंग होता है, समझे बात को। सो ये होता है रिटेंड अर्निंग। सो ये सब चीजें होता है, तो ये सब अगर होता है तो फिर ये जो इंक्रीज होता है इक्विटी ऑफ द कंपनी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कैसा लगा आज का क्लास। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोलता है, व्हाट आर द लॉन्ग टर्म एसेट, व्हाट आर द लॉन्ग टर्म एसेट विच डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। कौन सा लॉन्ग टर्म एसेट है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वो होता है इंटेंजिबल, जैसे कि गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब जो होता है ना वो फ्यूचर एग्जिस्टेंस नहीं होता है, पर इसका वैल्यू बहुत होता है। जैसे कि आपको अगर नाइकी, अगर आप नाइकी का अगर शूज पहनते हो तो बोलेगा कि वो भी, अगर नाइकी का टैग लग गया तो मतलब कि बहुत ही अच्छा होगा, तो एक गुडविल है, एक गुडविल अगर किसी भी प्रोडक्ट पे, अगर किसी भी बहुत ही ब्रांडेड वैल्यू का अगर आप टैग लगा देते हो तो उसका जो वैल्यू है मार्केट में बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे वैसे ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। ओके, तो इंटेंजिबल एसेट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, वो दिखेगा नहीं आपको, वो दिखता थोड़े ना गुडविल, पर उसका वैल्यू बहुत होता है। ठीक है, जैसे उसका एग्जाम्पल है गुडविल, ब्रांड रिकॉग्निशन, जिसे ब्रांडिंग होता है ना किसी भी चीज का, पेटेंट आर नोन एज इंटेंजिबल एसेट्स। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि
व्हाट इज द सपोर्टिंग एविडेंस इन ए बिजनेस ट्रांजेक्शन कॉल्ड? सपोर्टिंग एविडेंस को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वाउचर। देखिए वाउचर क्या होता है कि अगर आप कि अगर वो एक तरह से आप उसको मनी के फॉर्म में यूज कर सकते हो, ठीक है, एक पेपर होता है, ठीक है, वाउचर आर ए प्रूफ दैट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज टेकन प्लेस। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर रिकॉर्डेड इन विच अकाउंट? एक्सपेंसेस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, वो कहां पे यूज, कहां पे रिकॉर्ड किया जाता है, कौन सा अकाउंट में होता है? सो कौन सा अकाउंट में बोला जाएगा, द एक्सपेंसेस या फिर उसको प्रॉफिट एंड लॉस आर रिकॉर्डेड इन विच अकाउंट, कौन सा अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करते हैं? तो उसको नॉमिनल अकाउंट में करते हैं, ठीक है। द नॉमिनल अकाउंट रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन इन ए बिजनेस ऑफ वन फिजिकल ईयर, ठीक है। जितना भी इनकम और एक्सपेंसेस होता है ना, वो नॉमिनल में जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 क्या बोलता है? 10 बोलता है कि व्हिच पर्सन ओस एन अमाउंट टू ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विस ऑन क्रेडिट बेसिस, क्रेडिट बेसिस पे खरीदता है, तो उसको बोला जाता है डेटर। जो क्रेडिट बेसिस पे खरीद रहा है उसको बोला जाता है डेटर। अगर आप किसी को क्रेडिट बेसिस पे मतलब बेच रहे हो, मतलब कस्टमर को अगर आप बेच रहे हो, तो कस्टमर आपके लिए डेटर हो गया, अगर आप उधारी में बेच रहे हो, ठीक है। वही अगर आप उसको बोल देते हो, अगर वो कस्टमर आपको बोल देता है, जो कस्टमर खरीदा वो आपको बोल देता है कि आपको वो महीना दिन, दो महीना दिन, जितना दिन में अगर वो रिपेमेंट कर पाएगा, और वो लिख करके दे देता है कि और कि वो उतना दिन में पेमेंट कर देगा, 10 दिन 20 दिन चाहे जितना भी दिन में, ठीक है, अगर वो वादा करके जाता है तो उसी को बोला जाता है बिल्स रिसीवेबल। तो यही अंतर होता है डेटर और बिल्स रिसीवेबल में। डेटर मतलब वो क्या, उसको उधारी बेच दिए पर वो बोला नहीं कितना दिन में रिपेमेंट करेगा, तो होता है डेटर। अगर वो बोल देता है कि कितना दिन में रिपेमेंट करेगा, तो उसको होता है बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोलता है कि व्हेन आर बैलेंस शीट प्रिपेयर? बैलेंस शीट का प्रिपेयर किया जाता है, ईयरली बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है बैलेंस शीट, ओके। बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड ईयरली इज डिस्प्लेस द लायबिलिटी ऑफ एसेट एंड एसेट ऑफ ए कंपनी। बैलेंस शीट ईयरली पे बनाया जाता है, एक साल पे बनाया जाता है, और उसमें एसेट और लायबिलिटीज होता है जो कंपनी को बताया जाता है उसमें, ठीक है। एक्टिविटी रेशियो देखिए क्या होता है। एक्टिविटी रेशियो, व्हाट इज एक्टिविटी रेशियो? एक्टिविटी रेशियो बोलता है कि फाइनेंशियल रेशियो दैट मेजर फर्म एबिलिटी टू कन्वर्ट डिफरेंट अकाउंट्स इनटू बैलेंस शीट, डिफरेंट अकाउंट इनटू बैलेंस शीट, ओके। सो ये याद कर लीजिए। करंट लायबिलिटी तो जैसे बोल दिया कि विद इन वन ईयर आपको रिपेमेंट करना पड़ेगा, तो होता है करंट लायबिलिटी, ठीक है। कंपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन दैट आर ड्यू विद इन वन ईयर, विद इन नॉमिनल ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया है। करेंट लाइबिलिटी आर ए कंपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन दैट आर ड्यू विद इन वन ईयर और विद इन ए नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, ओके। नॉर्मल अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है। व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल? ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? देखिए मैं बता दूं आपको ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। जैसे देखिए अगर आप अभी आप रॉ मटेरियल खरीदे, ठीक है, आप रॉ मटेरियल खरीदे, रॉ मटेरियल मतलब इन्वेंट्री आप खरीदे, उससे आप WIP बनाए, फिर उससे आप फिनिश्ड गुड्स बनाए, फिर उसको आप सेल किए, फिर आपका कैश हुआ, फिर वो कैश, फिर वो कैश से फिर आप रॉ मटेरियल खरीदेगा, तो यही चलते रहता है, तो ये होता है ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ द टाइम इट टेक्स ए कंपनी टू बाय गुड्स, गुड्स खरीदा मतलब रॉ मटेरियल खरीदा, फिर उसको सेल किया और रिसीव किया कैश फ्रॉम द सेल ऑफ सेट गुड्स, जैसा कि आपको मैं बता दिया ऊपर, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। एन ऑपरेटिंग साइकिल रेफर्स टू द टाइम इट टेक्स ए कंपनी टू बाई गुड्स, बाय किया गुड्स, फिर उसको सेल किया, रिसीव कैश फ्रॉम द सेल ऑफ सेट गुड्स। इन अदर वर्ड्स इट्स हाउ लॉन्ग इट टेक्स ए कंपनी टू टर्न इनटू इन्वेंटरीज इनटू अ कैश, ओके। इन्वेंट्री खरीदता है ना, फिर उसको WIP फिनिश्ड गुड्स, फिर उसके बाद फिर बेच करके कैश होता है, तो होता है, ठीक है। द लेंथ ऑफ एन ऑपरेटिंग साइकिल इज डिपेंड अपॉन द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री हर एक इंडस्ट्री का अपना अपना एक ऑपरेटिंग साइकिल होता है, सभी इंडस्ट्री का अलग है। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो उसका अलग होगा। सो सभी सभी जो इंडस्ट्री होता है वो डिपेंड्स करता है कि उसका ऑपरेटिंग साइकिल कितने दिनों का हो सकता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है हर एक इंडस्ट्री के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या बोलता है कि व्हाट आर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किसको बोला जाता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोला जाता है द टाइप ऑफ एक्सपेंस दैट इज ड्यू बट हैज नॉट बीन पेड। देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो होता है कि वो ड्यू हो गया पर आप उसको रिपेमेंट नहीं किए हो,
ड्यू हो गया पर पेमेंट नहीं किया हो। जैसे कि आप किसी के यहाँ रेंट पे रहते हो, तो आप एक महीना रह लिए, ठीक है, उसका आप फायदा उठा लिए और उसको पैसा अभी तक दिए नहीं, ठीक है, तो वो होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, उसका फायदा उठा लिए पर उसको पैसा नहीं दिए, उसके बदले जो फायदा उठाए उसके लिए पैसा नहीं दिए हो, तो होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अ टाइप ऑफ एक्सपेंस दैट इज ड्यू बट हैज नॉट बीन पेड, द एक्सपेंसेस बिकम आउटस्टैंडिंग टू द कंपनी व्हेन दिस हैज टेकन द बेनिफिट, बेनिफिट आप ले लिए, ठीक है, बट द रिलेटेड पेमेंट हैज नॉट बीन पेड, आप पेमेंट नहीं किए, जैसे रेंट ड्यू बट नॉट एट पेड, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या बोलता है, क्वेश्चन है कि व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है ना कि आप, अगर आपके अकाउंट पे पैसा नहीं है फिर भी अगर बैंक आपके कुछ फैसिलिटीज देता है, ठीक है, तो होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। आपके अकाउंट में पैसा नहीं है फिर भी अगर बैंक आपके बदले कुछ भी अगर बिल वगैरह कुछ भी पेमेंट कर देता है, ठीक है, तो होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, क्या बोलता है कि आंसर है, देखिए यहाँ पे ए लाइन ऑफ क्रेडिट, ए लाइन ऑफ क्रेडिट डेट कवर योर ट्रांजेक्शन इफ योर बैंक अकाउंट बैलेंस बिलो जीरो। अगर आपका बैंक अकाउंट में कुछ ही पैसा नहीं है, जीरो जीरो है, फिर भी बैंक अगर आपके बदले कुछ पेमेंट करता है तो होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लिंक टू योर एवरीडे ट्रांजेक्शन अकाउंट इज एन अनसिक्योर लाइन ऑफ क्रेडिट डिजाइन टू कवर शॉर्ट टर्म कैश फ्लो शॉर्टफॉल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है कि व्हिच रेशियो प्रोटेक्ट द क्रेडिटर, कौन सा रेशियो है जो कि प्रोटेक्ट करता है क्रेडिटर को, तो प्रोटेक्ट करता है लोअर डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो, अगर लोअर डेट इक्विटी रेशियो रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है क्रेडिटर को प्रोटेक्ट करेगा। ऐसा आपको पता होना चाहिए कि डेट इक्विटी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है, आप उसको डेट भी बोल सकते हो, शेयर होल्डर इक्विटी, शेयर होल्डर इक्विटी, ओके, डेट मीन्स आप उसको लाइबिलिटी भी बोल सकते हो, ठीक है, नॉर्मल भाषा में। ठीक है, तो लाइबिलिटी या फिर शेयर होल्डर इक्विटी, जैसा कि मैं आपको बता दिया हूँ, शेयर कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग होता है शेयर होल्डर इक्विटी। ओके, सो अगर ओबीएस बात है ना, डेट अगर कम रहेगा तो डेट क्रेडिटर के लिए अच्छा है कि क्रेडिटर रिपेमेंट कर पाएगा। ठीक है, मतलब क्रेडिटर मतलब रिपेमेंट रिसीव कर पाएगा। ठीक है, लोअर द डेट इक्विटी, लोअर द डेट इक्विटी रेशियो, हायर हायर इज द प्रोटेक्शन टू क्रेडिटर। ओके, क्रेडिटर यूजुअली लाइक ए लोअर डेट इक्विटी रेशियो बिकॉज ए लो रेशियो लेस देन इंडिकेशन ऑफ क्रेडिटर प्रोटेक्शन ऑफ देयर मनी। सही बात है, ऑब्वियस बात है, क्रेडिटर उधार में किया है तो फिर उसको प्रोटेक्शन ज्यादा है कि वो रिपेमेंट कर पाएगा, अगर डेट कम रहेगा तो भी ऐसी बात है ना, डेट कम रहेगा तो पेमेंट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या बोलता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या बोलता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे आपका टोटल एसेट इंटू 100, यहाँ पे मैं फॉर्मूला दिया हूँ आप लोग के लिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का नेट प्रॉफिट बाई टोटल एसेट इंटू 100 होता है। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया मैं, और यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन भी दिया हूँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज अ परफॉर्मेंस मेजर यूज टू इवेल्युएट द इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट और कंपेयर द इफिशियंसी ऑफ ए नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, व्हाट डज इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ओवर इन्वेस्टमेंट इन एसेट, अगर आप किसी भी चीज में इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं, इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं किसी भी रिसोर्सेज का और ओवर इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे कि आपको उसमें उतना कुछ फायदा नहीं होने वाला है, तो भी ऐसे बताए ना वो लोअर रिटर्न देगा, लोअर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको देगा। ठीक है, तो इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ओवर इन्वेस्टमेंट इन एसेट विद लोअर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो भी ऐसी बात है, रिसोर्सेज को ही आप कम यूज करोगे, इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन करोगे और इन्वेस्टमेंट जितना करना चाहिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दोगे, तो वो भी ऐसी बात है, लो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या बोलता है, 20, विच बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर एडवर्टाइजिंग से एडवर्टाइजिंग सैलरी एंड मार्केट एनालिसिस, तो होता है सेल्स एक्सपेंडिचर बजट, सेलिंग एक्सपेंसेस बजट इज यूजुअली बेस्ड ऑन द सेल्स बजट प्रायर एक्सपेंसेस बजट इन प्रायर ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या बोलता है कि व्हाट डज ए मास्टर बजट, मास्टर बजट क्या क्या इंक्लूड, ये सभी इंक्लूड करता है, मटेरियल बजट, मटेरियल बजट, प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट सभी इंक्लूड होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर ही है वो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, मास्टर बजट के अंदर सब कुछ आ जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या बोलता है, ट्रांजेक्शन इज रेफर्ड एज
विच इवेंट इन अकाउंटिंग, तो होता है इकोनॉमिक इवेंट. ओके, इन अकाउंटिंग एन इकोनॉमिक इवेंट इज रेफर्ड एज ट्रांजेक्शन. क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या बोलता है. रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करते हैं वो पार्ट है बुक कीपिंग का. ठीक है, बुक कीपिंग का पार्ट है. ओके, तो इसी तरह का आपके एमसीक्यू आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा. आपको बेहतर प्रिपरेशन करना तो आप मेरा एमसीक्यू परचेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जाइए, मात्र 500 में अवेलेबल है. आप इसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, वो 500 में आपको फाइनेंस एंड अकाउंट्स का पूरा कवरेज है उसमें. ओके, बुक कीपिंग देखिए क्या बोलता है. बुक कीपिंग रेफर्स मेनली टू द रिकॉर्ड कीपिंग एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इन्वॉल्व प्रिपेयरिंग सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर ऑल ट्रांजेक्शन ऑपरेशन एंड अदर इवेंट ऑफ ए बिजनेस. क्वेश्चन 24 देखिए क्या बोलता है. एग्जामिनिंग ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, आप कोई भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को अगर एग्जामिन करते हो तो क्या बोलता है, उसको ऑडिटिंग बोलता है. फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करेगा तो ऑडिटर करता है तो उसको ऑडिटिंग बोलेगा ना, एग्जामिनिंग कर रहा है तो ऑडिट, और इसका आंसर हो जाएगा ऑडिटिंग. ऑडिटिंग इज डिफाइंड एज द ऑन साइट वेरिफिकेशन एक्टिविटीज सच एज इंस्पेक्शन और एग्जामिनेशन और प्रोसेस क्वालिटी सिस्टम. ठीक है, ऑडिटिंग इसको बोला जाता है. अगर कोई सी एग्जामिनेशन चेक करता है तो उसको ऑडिटिंग बोला जाता है. क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या बोलता है. हु इज एन एक्सटर्नल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्सटर्नल यूजर कौन है. देखिए शेयर होल्डर ऑब्वियस बात है, पैसा लगाया कंपनी में तो शेयर होल्डर है. इंटरनल में आएगा, सीईओ कंपनी में काम कर रहा है आएगा, इंटरनल में आएगा. मैनेजर काम कर रहा है कंपनी में तो इंटरनल में आएगा. क्रेडिटर है जो कि एक्सटर्नल यूजर्स में आएगा. ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28 क्या बोलता है. व्हाट आर लायबिलिटी, लायबिलिटी किसको बोला जाता है. लायबिलिटी मींस कि अगर कंपनी के पास अगर लायबिलिटी है तो उसको रिपेमेंट करना है, तो मतलब उसका ऑब्लिगेशन है कि उसको पेमेंट करना है. ठीक है, लायबिलिटी आर डिफाइंड एज ए कंपनी लीगल फाइनेंशियल डेट और ऑब्लिगेशंस दैट अराइज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए बिजनेस ऑपरेशंस. ओके, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या बोलता है. 29 बोलता है कि व्हाट इज एन इनकम, इनकम क्या होता है, इनकम का डेफिनेशन पूछा आपको. ठीक है, यह है कि द रेवेन्यू ए बिजनेस अर्न फ्रॉम सेलिंग इज गुड्स एंड सर्विसेज. जो रेवेन्यू कंपनी, जो बिजनेस है, जो कंपनी वाले हैं जो अपना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं अपना गुड्स एंड सर्विसेज को बेच करके, तो उसे जो इनकम उनका होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, तो वही इनकम होता है. ठीक है, जो भी एक्सपेंसेस रेवेन्यू जितना होता है रेवेन्यू को जाता है सेल्स को. ठीक है, तो सेल्स जितना किया तो उसमें जितना भी एक्सपेंसेस को रिड्यूस करके माइनस करके जितना भी जो बचता है वो इनकम के अंदर आता है. ठीक है, इनकम इज द रेवेन्यू ए बिजनेस अर्न बाय सेलिंग इज गुड्स और बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज. क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या बोलता है. 30 बोलता है कि एन एसेट पोसेस्ड बाय द बिजनेस शुड बी शोन इन विच पार्ट. एसेट को ऑब्वियस बात है, एसेट के साथ शो करेगा. क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 31 क्या बोलता है कि व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द एसेट. ये आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स देता है. बहुत सारे एग्जामिनेशन पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या बोलता है. 32 बोलता है कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी क्या होता है, एसेट्स. ओके, द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन इसको बोला जाता है, बैलेंस शीट इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन एसेट लायबिलिटी एंड ओनर इक्विटी ऑफ ए पर्सन और बिजनेस. जैसे कि मैं आपको पूरा डिटेल में ऊपर बता दिया था. ठीक है, तो वहाँ पे आप देख लिए होंगे, जैसे कि मैं आपको बताया था ऊपर में कि जो एसेट होता है लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर इक्विटी. ठीक है, ये इसको आप बोल सकते हो, इसी का भी पूरा नाम है फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन या फिर बैलेंस शीट इक्वेशन. ठीक है, सो ये एसेट में करंट एसेट नॉन करंट एसेट दोनों आता है. ठीक है, यहाँ पे भी करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी दोनों आता है, और यहाँ पे शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग आता है. ठीक है, सो ये सब चीज़ें हैं, ये सब को ध्यान में रखना पड़ेगा किसके अंदर क्या क्या आता है. सो मैं बहुत ही बेसिक्स लेकर के मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो अगर आपको मेरे एमसीक्यू परचेस करना हो तो आप परचेस कर सकते हो. उसमें भी सारा डिटेल एवरीथिंग मैं उसमें अपडेट किया हूँ, क्योंकि सारा कुछ मेरा बनाया हुआ है, तो मुझे पता है कि आप लोगों का क्या प्रॉब्लम होता है.
सो मैं आप लोग के हिसाब से एमसीक्यूज बनाता हूँ, और फिर बेहतर प्रिपरेशन करने के लिए अपन प्रिपरेशन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने के लिए एमसीक्यूज परचेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जो है फुल डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 देखिए क्या बोलता है कि व्हाट आर ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या बोला जाता है, ड्राइंग होता क्या है। तो जो पर्सनल यूज के लिए जो होते हैं ना ओनर, वो निकालते हैं पैसा बिजनेस से, ठीक है। मनी डेट इज टेकन फ्रॉम द बिजनेस अकाउंट फॉर पर्सनल यूज करने के लिए, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। मनी इट इज ड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। इतना ही आज का क्लास में इतना ही डिस्कस करेंगे। ड्रॉइंग इन अकाउंट्स इज द केप्ट रिकॉर्ड केप्ट बाई बिजनेस ओनर और अकाउंटेंट दैट इज टू शोन हाउ मच मनी हैज बीन विड्रॉन बाय द बिजनेस ओनर्स। ओके, यहाँ पे देखिए आपको हम क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे प्राइस 999 है। अगर आप फुल कोर्स लेते हो तो फुल कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स प्लस एमसीक्यूज सब कुछ मिलेगा, वो मिलेगा आपको 999 में, ठीक है। पर आपको सिर्फ एमसीक्यूज चाहिए, आपको ओनली एमसीक्यूज चाहिए, ओनली एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन कुछ ही दिन में होने वाला है। तो वो आपको मात्र 500 में मिल रहा है। एमसीक्यू सिर्फ चाहिए तो मात्र 500 में मिलता है। आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल आपका मिल जाएगा, कैसे परचेस करना है, ठीक है। और आप कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आप देखिए दिया हुआ है, अगर आप कुछ पूछना है तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, मेल भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में जो है फुल डिटेल दिया हुआ है कैसे परचेस करना है। अगर आपको फुल कोर्स चाहिए कोई तो भी और पीएसयू के एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना, तो फुल कोर्स भी ले सकते हो, वो 999 में अवेलेबल है। अगर आपको सिर्फ आईए दिल के प्रिपरेशन करना है, बहुत ही कम दिन बचा है, तो इसके लिए आप एमसीक्यूज परचेस कर सकते हो। बहुत ही कम समय में आप प्रिपरेशन कर सकते हो, विद इन 1 वीक आप इस एमसीक्यू से प्रैक्टिस कर करके प्रिपरेशन को काफी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। तो इट्स डिपेंड्स अपॉन यू कि आप 999 में परचेस करना चाहते हो फुल कोर्स, या फिर एमसीक्यूज परचेस करना चाहते हो, ठीक है। इस आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो फुल डिटेल आर मेंशन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, वहाँ पे जाइए और देखिए कि आपके लिए कौन सुटेबल है, आप उसके हिसाब से अपना डिसीजन लेकर परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो आज वीडियो यहाँ तक रखते हैं। आई होप सो कि दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको एक क्लास कैसा लगा, कितना इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, ताकि मैं आप लोग के लिए और भी यूजफुल वीडियोस लेकर आते रहूंगा। और ये भी बताइएगा कि और कौन सा टॉपिक आपके लिए चाहिए, ठीक है। तो वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा आज का क्लास, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को ना हर एक ग्रुप में शेयर करिए, ताकि और भी लोग मेरे बारे में जान सके, ठीक है। तो जितना आप शेयर करिएगा उतना ही मेरे बारे में लोग जानेंगे, कि अभी भी बहुत ही कम लोग मुझे जानते हैं। तो अगर आप वीडियो शेयर करोगे तभी तो बहुत सारे लोग जान पाएंगे, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप शेयर करोगे तो बहुत सारे लोग जान सकते हैं मुझे, ठीक है। तो नहीं तो इससे टाइम लगता है ना, इससे यूट्यूब पे कितना लोग एक ही बार वीडियो सभी लोग के पास नहीं जाता ना। अगर आप वीडियो शेयर करोगे तो आप वो वीडियो बहुत सारे लोग के पास जाता है, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और भी मेरा चैनल ग्रो हो सके। मेरा चैनल मैं जितना हिसाब से जिस हिसाब से मैं मेहनत कर पा रहा हूँ, उस हिसाब से मेरा चैनल उतना ग्रो हो नहीं पा रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट्स भाई मैं बता रहा हूँ कि वीडियो को थोड़ा शेयर किया करिए, ताकि वीडियो शेयर होगा तो लोग और भी जान पाएंगे और चैनल सब्सक्राइब कर पाएंगे। क्योंकि इस चैनल पे आपको भी पता है कि जितना इंपॉर्टेंट अपडेट इस चैनल से मिलता है उतना आपको पूरा फाइनेंस में कोई नहीं देता है। ओके, तो ये आपको भी पता है। तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। ओके, क्योंकि बहुत ही मेहनत से मैं वीडियोस बनाता हूँ और आपके लिए एमसीक्यूज बनाता हूँ, ठीक है। और इतना टाइम लगा कर मैं आप लोगों के लिए पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को, और चैनल को तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सो थैंक यू।